أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم dear students my name is Salman Ahmed and my presentation topic that is mechanical properties of advanced materials so dear students in this presentation we will discuss about stress strain hardness strength elasticity plasticity ductility brittleness toughness and malleability And also we will discuss about application of advanced materials. So let's start. So dear student, what is mechanical properties? The properties which can be determined are absorbed by application of mechanical force or load. That is, mechanical force is a force that requires direct physical contact. As we know, mechanical force is just like a load. So, by mechanical force, mechanical properties can be created. Mechanical force की वजह से mechanical properties create होती है. So, mechanical force, mechanical properties के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. The properties of material determine its behavior under applied force are known as mechanical properties. They are usually related to the elastic and plastic behavior of the material. These properties are expressed as a function of stress, strain, etc. A sound knowledge of mechanical properties of material provide the basis for predicting behavior of material under different load condition and designing the components out of them. अभी हमने बात की कि mechanical properties applied forces के अंदर ही आती है जब उस हम फोर्स अप्लाई करेंगे mechanical force तो हमारे पास क्या आएंगे mechanical properties आएंगे तो mechanical properties किस से relate करते हैं elastic से plastic behavior से भी सेम इसी तरह स्ट्रेस और स्ट्रेन से भी रिलेट करते हैं एक्सपीरियंस शोज दैट एनी मटेरियल सब्जेक्टेड टू अ लोड मे आइदर डिफॉर्म यील्ड और ब्रेक डिपेंडिंग अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ लोड एंड नेचर ऑफ द मटेरियल जब हम किसी मटेरियल पे लोड अप्लाई करेंगे तो या तो वो डिफॉर्म होगा या फिर यील्ड होगा या फिर ब्रेक होगा तो दो चीज़ों पर डिपेंड कर सकता है एक है मैग्नीट्यूड ऑफ लोड और एक है नेचर ऑफ द मटेरियल मैग्नीट्यूड ऑफ लोड के लोड कितना है और मटेरियल किस नेचर का है तो या तो वो ब्रेक होगा या फिर डिफॉर्म होगा जब इसका हम लोड अप्लाई करेंगे या फोर्स अप्लाई करेंगे सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज स्ट्रेस इट इज इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स ऑफर्ड बाय द बॉडी टू रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन और क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द बॉडी इंटरनल रेजिस्टर मतलब इंटरनली रेजिस्टिंग फोर्स है एक बॉडी की जो क्या करे डिफॉर्मेशन को पर यूनिट क्रॉस एरिया में रेजिस्ट करें तो स्ट्रेस का बेसिकली हमारे पास मतलब ये क्या है कि डिफॉर्मेशन होगी लेकिन पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होगी किसी बॉडी पे मैथमेटिकली द स्ट्रेस इज एक्सप्रेस एज अ फोर्स डिवाइडेड बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं जो स्ट्रेस हमारे पास है वो फोर्स बाई क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि एफ बाई ए इसका मैथमेटिकल फार्मूला है सेम देख सकते हैं कुछ ब्लॉक्स हैं एक तरफ एरिया दूसरी तरफ प्रेशर है जब इस पर हम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा स्ट्रेस यानी कि फोर्स पर न्यूट एरिया जब इस पर अप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा स्ट्रेस आएगा Now, what is strain? Strain is the ratio of change in dimension of the material to the original dimension. Change in length. अगर हम length में original length में कोई changes करें तो हमारे पास क्या आएगा strain आएगा. Strain is a dimensional response given by the material against mechanical loading deformation produced current length. Mathematically, strain is change in length divided by original length. अगर हम किसी material में किसी मटेरियल में चेंज इन लेंथ मतलब उसकी लेंथ को चेंज करें तो हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी आएगी स्ट्रेन आएगी सो नेक्स्ट इज द हार्डनेस इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेजिस्ट पेनेट्रेशन हार्डनेस हमारे पास मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे किसी मटेरियल में तो पेनेट्रेट होगा जैसे कि हम देख सकते हैं पिक्चर में हथौड़ा है तो हम नील को टोंक मतलब इस फोर्स लगा रहे हैं तो जो नील है की है वो नीचे पेनेट्रेट हो गई तो ऐसे प्रॉपर्टी को हम कह सकते हैं हार्डनेस नेक्स्ट इज द स्ट्रेंथ
the property of material that resists external load without breaking. मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो कि एक्सटर्नल लोड को सह सकती है, रेजिस्ट का मतलब है सह सकती है विदाउट ब्रेकिंग, लेकिन वो ब्रेक नहीं होगा. इट डिटरमाइंस द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू स्टैंड स्ट्रेस विदाउट फेलियर. द मैक्सिमम स्ट्रेस दैट एनी मटेरियल विल स्टैंड बिफोर डिस्ट्रक्शन कॉल्ड अल्टीमेट स्ट्रेंथ. अल्टीमेट स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अगर कोई मटेरियल अगर हम इस पर मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई करें लेकिन वो क्या होगा, वो एक्सटर्नल लोड को सह सकेगा, बर्दाश्त करेगा, लेकिन डिस्ट्रक्शन उसमें नहीं होगी, उसमें ब्रेकिंग नहीं होगी. तो ऐसे स्ट्रेंथ को हम कहते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ, जो कि मैक्सिमम स्ट्रेस को विथस्टैंड करे बिफोर डिस्ट्रक्शन. सो स्ट्रेंथ का बेसिकली मतलब क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट रेजिस्ट द एक्सटर्नल लोड विदाउट ब्रेकिंग. नेक्स्ट इज द इलास्टिसिटी, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच टर्न्स टू ओरिजिनल शेप आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड. इलास्टिसिटी हमारे पास प्रॉपर्टी है मटेरियल की जो कि ओरिजिनल शेप पे आए जब हम इसका एक्सटर्नल लोड को रिमूव करें. जैसे कि पिक्चर में दिखाया गया है, एक फोर्स है, जब ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे जब इसको हम छोड़ेंगे तो वापस पोजिशन पे आएगा. सेम इस तरह एक पिक्चर में रबड़ दिखाया दे रहा है, जब इसको हम रबड़ को खींचेंगे जब उसको हम मतलब इसका जो फोर्स हम रिमूव करेंगे तो वापस पोजिशन पे आएगा. तो इलास्टिसिटी हमारे पास क्या है, विच रिटर्न इज टू ओरिजिनल शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ लोड. द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय विच वर्चू ऑफ विच डिफॉर्मेशन कॉज बाय अप्लाइड लोड डिसअपीयर अपॉन रिमूवल ऑफ लोड. इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज द पावर ऑफ कमिंग बैक टू ओरिजिनल पोजिशन आफ्टर डिफॉर्मेशन व्हेन द स्ट्रेस और लोड इज रिमूव. एज यू सी इन द पिक्चर सम बबल्स when it is trenched when after removal of the load they return back into initial position. So the elastic basically means is reversible. जो कि एक material अगर हम इसमें force को remove करेंगे जो हमने apply किया है अगर वो वापस position पर आ जाए material तो ऐसे property को हम कहते हैं elasticity. Next is the plasticity. The property of material by which permanent material deformation takes place after removal of load. Material की वो property जब इसको force apply करेंगे या जब इसको हम remove करेंगे तो उसमें permanent material deformation होगी. मतलब वो जो material है वो permanent deform होगा जब इससे हम load और force को remove करेंगे. तो यहाँ पे कुछ blocks नजर आ रहे हैं जब इसमें हम force apply करेंगे तो उसको इसमें जो length है वो change होगी. तो हम कह सकते हैं कि इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन होगी. द प्लास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज एबिलिटी टू अंडरगो सम डिग्री ऑफ परमानेंट डिफॉर्मेशन विदाउट रप्चर और फेलियर. प्लास्टिक डिफॉर्मेशन विल टेक ओनली आफ्टर द इलास्टिक लिमिट एक्सीडेड इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. दूसरी बात यहाँ पे की गई कि प्लास्टिसिटी हमारे पास क्या होगी कि वो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो भी इंक्रीज होगी. और एक इलास्टिक लिमिट हमारे पास है और एक इलास्टिक लिमिट हमारे पास है कि जब वो इंक्रीज करेगा तो हमारे पास क्या होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा. इलास्टिक लिमिट से कम होगा तो हमारे पास मटेरियल क्या होगा, इलास्टिक होगा. जैसे कि यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स नज़र आ रहे हैं जब वो स्ट्रेच होंगे तो स्ट्रेच होने के बाद वो कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन उसमें होगी. और दूसरी तरफ हमारे पास एक ग्राफ है जब मटेरियल एक्सीड करेगा इलास्टिक लिमिट से तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन उसमें चेंज होगा, मतलब प्लास्टिसिटी में चेंज हो जाएगी वो मटेरियल प्रॉपर्टी. प्लास्टिक के बेसिकली मतलब क्या है, परमानेंट डिफॉर्मेशन, मतलब टेम्परेरी नहीं होगी इसमें. नाउ वी विल डिस्कस स्ट्रेस स्ट्रेन कॉर्सोस इलास्टिसिटी एंड प्लास्टिसिटी फॉर मटेरियल. यू विल सी अ ग्राफ बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. व्हेन वी इंक्रीज द स्ट्रेस द पार्टिकल विल मूव टुवर्ड प्लास्टिसिटी एंड व्हेन वी apply less stress then it will be elastic deformation. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ है material है, मतलब हम इसका जब हम stress increase कर रहे हैं तो elastic deformation होगा, elastic फिर वापस आएगा. जैसे कि हमने बात की elasticity जो है वो वापस position पे आएगी, लेकिन जो जो हम stress को ज़्यादा करेंगे तो plastic deformation आएगी, उसके बाद फिर necking आएगी और फिर आखिरकार में हमारे पास क्या होगा, failure होगा. तो ये हमारे पास क्या है, stress और strain का एक graph है जो कि relate करता है कि मटेरियल प्लास्टिक है या इलास्टिक है.
Now, ductility, the property of material by which it can bond into thin wire without any rupture. मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जो को जो के हम क्या करें तीन वायर्स में इसको चेंज करें विदाउट एनी रप्चर. रप्चर मतलब इसमें ब्रेक डाउन या रप्चर नहीं होगा. डायरेक्ट वो प्रॉपर्टी जो मटेरियल है वो वायर्स में चेंज हो जाएगा तीन वायर्स में. एंड नेक्स्ट हमारे पास है ब्रिटलनेस, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इन विच नो डिफॉर्मेशन टेक्स प्लेस बाय एक्सटर्नल लोड और इट कैन ब्रेक और रप्चर. ब्रिटलनेस हमारे पास मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसमें डिफॉर्मेशन नहीं होगी एक्सटर्नल लोड की वजह से, लेकिन वो डायरेक्ट ब्रेक और रप्चर हो सकता है. इसके बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है ग्लास. जब ग्लास को हम नीचे मतलब फोर्स लगाएंगे तो डायरेक्ट ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसमें कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगी. डिफॉर्मेशन का बेसिकली मतलब है चेंजेस, लेकिन इसमें तो चेंजेस नहीं, इसमें डायरेक्ट ब्रेक और ब्रेक डाउन हुआ और रेप्चर हो गया. तो ब्रिटलनेस हमारे पास क्या है विदाउट बाय द सॉरी डो नो डिफॉर्मेशन ऑकर बाय द एक्सटर्नल लोड एंड इट कैन ब्रेक आर रेप्चर. नेक्स्ट टफनेस, द प्रॉपर्टी ऑफ मटीरियल बाय विच कैन बैंड फेस स्ट्रेच अंडर अ हाई स्ट्रेस विदाउट एनी रेप्चर. मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी मटेरियल को बैंड कर सके, ट्विस्ट कर सके और स्ट्रेच कर सके विदाउट एनी रप्चर. रप्चर इसमें नहीं आएगा. इसके नीचे हमारे पास एक फिगर है जिसमें एक ब्लॉक नज़र आ रहा है. अगर इसको हम बैंड कर सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारे पास रप्चर नहीं आएगा, ब्रेक डाउन वगैरह नहीं आएगा. उसके बाद हमारे पास है लास्ट मिलेबिलिटी. मिलेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल इज द एबिलिटी टू फ्लैटन इनटू थिन शीट्स विदाउट क्रैकिंग बाय हॉट और कोल्ड वर्किंग. मिलेबिलिटी हमारे पास क्या है, वो प्रॉपर्टी जिसमें हम थिन शीट में इसको चेंज कर, जैसे कि हमारे इसके बेस्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है गोल्ड है. गोल्ड को हम क्या कर सकते हैं मेटल हैमर्ड इनटू थिन शीट, मतलब जब इसको थोड़े समय इसको जब इस फोर्स अप्लाई करेंगे तो थिन शीट में इसको चेंज करेगा. तो गोल्ड हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है मिलेबिलिटी. और मिलेबिलिटी क्या है कि द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल दैट कैन फ्लैटन इनटू थिन शीट्स. सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एडवांस्ड मटेरियल. एडवांस मटेरियल का हमने जिक्र स्टार्टिंग में किया था. एडवांस मटेरियल का मतलब क्या है, एडवांस मटेरियल का मतलब यही है कि यहाँ पर इसके बेसिक डेफिनेशन है. एन एडवांस मटेरियल कैन बी सेड इट टू बी अ मटेरियल विच हैज इंजीनियर प्रॉपर्टीज क्रिएटेड थ्रू अ डेवलपमेंट और स्पेशलाइज प्रोसेस एंड सिंथेसिस टेक्नोलॉजी. वो मटेरियल जो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज रखता हो, लेकिन हम इसको किस तरह बनाएं, स्पेशलाइज प्रोसेस और सिंथेसिस टेक्नोलॉजी और स्पेशल प्रोसेस के ज़रिए से अगर हम एक मटेरियल को बनाएं खास प्रोसेस के लिए, बेसिक पर्पस के लिए, तो हमारे पास क्या आएगा एडवांस मटेरियल आएगा. ओके, नाउ वी विल डिस्कस नैनो मटेरियल. नैनो पार्टिकल हैज बी डिस्कस अर्लियर सो मच टाइम्स, बट नाउ वी विल डिस्कस अ लिटिल बिट अबाउट नैनो मटेरियल. दैट व्हाट आर नैनो मटेरियल. नैनो मटेरियल आर द पार्टिकल बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर इन साइज. ऐसे पार्टिकल जो कि 1 से लेकर 100 के नैनोमीटर के साइज के रेंज में हो तो हमारे पास क्या होंगे, वो नैनो पार्टिकल्स होंगे. इन नैनो टेक्नोलॉजी अ पार्टिकल इज डिफाइंड एज अ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट बिहेव अ स्मॉल होल यूनिट विच रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टीज. पार्टिकल्स ऑफ एनी शेप विद डायमेंशन इन द 1 × 10⁻⁹ and 1 × 10⁻⁷ meter range are called as nanomaterial or nanoparticles. Particle का वो रेंज जो कि इनके दरमियान हो 10⁻⁷ to 10⁻⁷ meter के रेंज में, तो हमारे पास वो कौन से मटेरियल होंगे, नैनो मटेरियल होंगे या नैनो पार्टिकल्स होंगे. ओके, नाउ वी विल डिस्कस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एडवांस मटेरियल. नैनो पार्टिकल शो डिफरेंट मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिलेटिव टू माइक्रो पार्टिकल एंड बल्क मटेरियल्स, प्रोवाइडिंग मोर इफेक्टिव ऑप्शन फॉर द सर्फेस मोडिफिकेशन ऑफ मैनी डिवाइसेज इन द मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मैनुफैक्चरिंग नैनो फेब्रिकेशन एक्सेट्रा. नैनो पार्टिकल्स जैसे जैसे हम इनको साइज रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो उनकी जो क्वालिटी है वो इंक्रीज होती जाएगी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसकी मॉडिफिकेशन होगी. और यहाँ पे बात की गई बल्क मटेरियल माइक्रो मटेरियल. तो बल्क मटेरियल्स क्या है,
एज ए मटेरियल जो कि जिसका रेंज या साइज ज़्यादा हो नैनो मटेरियल या माइक्रो पार्टिकल से। पार्टिकल साइज रिडक्शन टू नैनोमीटर स्केल पोजेस न्यू टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस सच एज पार्टिकल एग्लोमरेशन। पार्टिकल साइज जितना ही हम रिड्यूस करेंगे नैनोमीटर स्केल पर लेकर आएंगे तो हमारे पास कुछ नए टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, प्रोसेस हमारे पास आएंगे, जैसे कि पार्टिकल एग्लोमरेशन। पार्टिकल एग्लोमरेशन हमारे पास क्या है कि पार्टिकल्स मतलब एटॉमिक साइज के पार्टिकल जब सस्पेंशन में आएंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स रिड्यूस साइज में, तो हमारे पास क्या है पार्टिकल एग्लोमरेशन है। जैसा कि अब देखो हमने बात की गई नैनोमीटर की स्केल के बाद, तो पार्टिकल को हम इतना रिड्यूस करेंगे को नैनोमीटर स्केल पे आएगा, तो ऐसे प्रॉपर्टीज को बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं किसमें, पार्टिकल एग्लोमरेशन में, और बहुत ज़्यादा इस तरह टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब हम इस पार्टिकल साइज को रिड्यूस करेंगे। द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द नैनो मटेरियल इंक्रीज विद डिक्रीज इन साइज बिकॉज स्मॉलर द साइज लेसर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इम्परफेक्शन सच एज डिसलोकेशन वीकेंसेस ग्रेन बाउंड्रीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो मटेरियल कब इंक्रीज होगी, जब हम साइज को रिड्यूस करेंगे। जब साइज को हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो इम्परफेक्शन सच एज डिसलोकेशन वीकेंसेस ग्रेन बाउंड्रीज वो हम इसको अच्छी तरह फाइंड कर सकें, उसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग है तलाश करने की, मतलब वो जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इजली हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि हम इसको पार्टिकल साइज को क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इंप्रूव सिग्निफिकेंटली एज द पार्टिकल साइज डिक्रीज टू द परफेक्ट डिफेक्ट फ्री सरफेस। उसके अलावा जितने भी हम पार्टिकल साइज मतलब इम्प्रूव होगी वो कब होगी, जब हम इसका साइज मतलब जो है वो साइज कम करते जाएंगे और इसका जो डिफेक्ट होगा वो फ्री सरफेस बन जाएगा। हार्डनेस एंड यील्ड ऑफ मटेरियल आल्सो इंक्रीज एज द पार्टिकल साइज इज डिक्रीजेस। हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, ये तब इंक्रीज होगी जब पार्टिकल साइज को हम कम क्या करेंगे, कम करेंगे, डिक्रीज करेंगे। इलास्टिसिटी एंड टफनेस ऑफ मटेरियल आल्सो इंक्रीज एज पार्टिकल साइज इज डिक्रीज। In addition to specific properties of interest for a particular application of material, its elasticity, strength, hardness, brittleness all determine whether application is possible. No matter how good the electric, magnetic, chemical or other properties are, a material is no use if it does not fulfill mechanical requirements. अगर एक हमारे पास material है, अगर वो इन requirements को पूरा नहीं कर पाएगा, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है वो इसलिए तरह हम पॉसिबल है मतलब इसको अच्छी तरह अचीव नहीं कर सकेंगे। तो जितना हम पार्टिकल साइज को रिड्यूस करते जाएंगे उतना ही ये हार्डनेस है, स्ट्रेंथ है, इलास्टिसिटी है, उनकी जो प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती जाएगी। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज यूजली एज एनिस्ट्रोपिक, दे डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली हमारे पास एनिस्ट्रोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि किस पे डिपेंड करता है, अप्लाइड फोर्स पे। जिस तरह अप्लाइड फोर्स उस पर मतलब अप्लाई करेंगे उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऐसे होंगी जैसे कि एनिस्ट्रोपिक प्रॉपर्टीज। अ फ्रेमवर्क ऑफ स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड और इन डायमंड रिजल्ट इन हाई हार्डनेस एंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। यहाँ पे बात की गई डायमंड की, तो डायमंड के हमारे पास क्या है कि इसका जो एक खास हार्डनेस है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है, वो इस वजह से क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क कोवलेंट बॉन्ड हैं, कोवलेंट बॉन्ड के खास फ्रेमवर्क की वजह से उस डायमंड की खास हार्डनेस है और इसकी खास स्ट्रेंथ है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नैनो मटीरियल विद रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। बाय रिड्यूसिंग द ग्रेन साइज लाइटर मटीरियल विद इनहांस मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कैन बी प्रोड्यूस। ग्रेन साइज अगर हमारे पास है, अगर हम इसको जितना ही वो रिड्यूस करते जाएंगे तो हमारे पास जो मटेरियल के जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो इनहांस होती जाएगी। नैनो ग्रेन्स आर मोर रेजिस्टेंट सिंस दे हैव नो डिफेक्ट्स इनसाइड, कंट्रारी टू माइक्रो ग्रेन्स। नैनो क्रिस्टलाइन कॉपर इज 3 times मोर रेजिस्टेंट देन यूजुअल कॉपर। नैनो ग्रेन्स जो हमारे पास है वो बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है क्योंकि इसमें हमारे पास डिफेक्ट्स नहीं होते एज कम्पेयर टू माइक्रोग्रेन्स, क्योंकि नैनोग्रेन्स का जो साइज है वो कम होता है एज कम्पेयर टू माइक्रो।
नैनो हमारे पास कितने हैं, 10^-9 है। माइक्रो हमारे पास कितने हैं, 10^-6 है। तो यहाँ पे बात की गई नैनो क्रिस्टलाइन कॉपर की, तो नैनो क्रिस्टलाइन कॉपर हमारे पास उसके भी वैसे ही साइज तो कम होगा, 10^-9 की फॉर्म में होगा। तो उसका जो हमारे पास है प्रॉपर्टीज है वो ज़्यादा होगी, एडवांस होगी, किससे, कॉपर से। उसके अलावा नैनो जो क्रिस्टलाइन कॉपर है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी, उसमें डिफेक्ट्स इंटरनली क्या होंगे, कम होंगे, किससे, कॉपर से, क्योंकि कॉपर का जो साइज़ है वो बड़ा है तो उसमें डिफेक्ट ज़्यादा होंगे। लेकिन जो नैनो क्रिस्टलाइन कॉपर है उसकी जो जो रेजिस्टेंस है, उनके जो डिफेक्ट्स है वो कम होगी या फिर नहीं होंगे। दे आर मोर ऑल्सो मोर डक्टाइल सिंस नैनोग्रेन ग्लाइड इज मच ईजियर। उसके अलावा ये हमारे पास क्या है, मोर डक्टाइल है एज नैनोग्रेन ग्लाइड इज मच ईजियर। सो डियर स्टूडेंट, देर आर सम बुक दैट यू कलेक्ट डेटा अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एडवांस मटीरियल एंड इट्स एप्लीकेशन फ्रॉम दिस बुक। आई होप यू विल अंडरस्टैंड माई प्रेजेंटेशन टॉपिक। Thank you and Allah Hafiz.